दोस्तों आज के दौर में हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता ही है, चाहे वे कोई बड़ा बिजनेसमैन आदमी हो या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी एक आम आदमी हो। हर इंसान को अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता ही है, लेकिन जब किसी आदमी का दुश्मन उसे जान से मारने के लिए घर से बाहर पूरी तैयारी से बैठा हो तो वे इंसान घर से बाहर कैसे निकले। तो इस चीज को देखते हुए कुछ ऐसी सुरक्षा कवच वाली कारें तैयार की गई हैं जिन पर ना तो गोलियों की बौछारों का कोई असर हो सकता है और ना ही बम धमाकों का। कुछ कारें तो ऐसी होती हैं कि अगर उन कारों से कोई बड़ा वाहन टकरा जाए तो उस कार का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन उस बड़े वाहन का कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। नंबर 1 ODA8L सिक्योरिटी। इस कार पर चढ़ी है B7 सुरक्षा परत, जो कि B7 सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा परत मानी जाती है, क्योंकि B7 सुरक्षा कवच पर किसी भी तरह की गोलियां असर नहीं कर पाती हैं। और डिजाइनरों ने इस कार के अंदर चारों साइड ठोस गद्देदार गद्दे लगाए हुए हैं, जो कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने के वक्त कार के अंदर बैठे व्यक्ति को घायल होने से बचा सकते हैं। ये गद्दे एक हेलमेट की तरह ही इंसान की हिफाजत करते हैं, और अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए और आप कार से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस कार के अंदर लगा एक बटन दबाने से विंडशील्ड यानी कि कार के सामने का शीशा खुल जाता है और आप बड़ी आसानी के साथ में कार से बाहर निकल जाते हो। इस ODA8L सिक्योरिटी की कीमत है $1 million। नंबर 2 Maybach 62S। इस कार को हमलों से बचाने के लिए स्विस कंपनी रिस्क ने सुरक्षा परत चढ़ाई है, जो कि इस कार पर सुरक्षा परत इस खूबी से चढ़ाई गई है कि ये 10 मीटर की दूरी से चलाई गई स्नेपर की गोली को भी बड़ी आसानी से झेलने में सक्षम है। इस कार में 620 BHP का इंजन है जो 0 से 100 की रफ्तार महज 5 सेकंड में हासिल कर लेती है, जिसे हम बूस्ट मोड भी कह सकते हैं, जिससे इस बूस्ट मोड के कारण हमारे पीछे लगी पुलिस और गुंडे उन्हें हम बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हैं। और इस कार की कीमत है $352,000। नंबर 3 Cadillac वैन। ये कार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस्तेमाल करते हैं। ये कार गोलियों और केमिकल हमलों को झेल सकती है। इस कार में काफी अस्त्र शस्त्र लगे हैं, जो कि किसी भी हमले के वक्त ये कार हमला झेल भी सकती है और हमला कर भी सकती है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के काफिले के दौरान किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए इस तरह की 3 कारें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ये कार हमला कर भी सकती हैं और हमला झेल भी सकती हैं। और इस कार की कीमत है $3,00,000। नंबर 4 Mercedes S600 पुलमैन स्टेट लिमोजीन। ये कार बड़ी नजर आती है और कई नामी हस्तियों और राजनेताओं ने इस कार को इस्तेमाल किया है। इसमें एलिजाबेथ टेलर और एल्सी प्रिस्ले से लेकर फिडेल कास्ट्रो और इडी अमीन जैसे लोग शामिल हैं। ये कार बुलेट और बम धमाकों का सामना कर सकती है। इस कार को बंकर का नाम भी दिया गया है। इस कार की पूरी बॉडी भारी भरकम स्टील से बनाई गई है, जिसके कारण ये कार AK-47 गोलियों और रॉकेट से छोड़े गए ग्रेनेड के हमले को झेल सकती है। ये कार किसी भी तरह की गोलियों से बचने के लिए एकदम परफेक्ट कार है। इस कार की कीमत $14,00,000 है। नंबर 5 Conquest Knight XV। इस कार को मजबूत स्टील और केवलर फाइबर ग्लास से बनाया गया है और इसके पहियों को 6061 एल्युमिनियम से बनाया गया है, जिसके कारण ये कार किसी भी बड़े वाहन से टकराने पर उस बड़े वाहन को भी तोड़ सकती है और खुद जरा सी भी डैमेज नहीं होती है। यहाँ तक कि ये कार एक दीवार को भी तोड़ सकती है, इसीलिए इस कार को हमर किलर के नाम से भी जाना जाता है। इस कार में 6 लीटर का V8 इंजन लगा है जो 325 हॉर्स पावर की शक्ति देता है। इसी के साथ ये कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है। इस कॉन्क्वेस्ट नाइट XV की कीमत है $3,10,000। तो दोस्तों ये वो 5 सुरक्षा कवच वाली कारें हैं जो दुश्मन के किसी भी तरह के वार से हमें बचाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियरों ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए बड़ी मेहनत और मुश्किलों के साथ में इन कारों को बनाया है। दोस्तों अब आपको सुरक्षा के हिसाब से और कार की मजबूती के हिसाब से कौन सी कार ज्यादा सही लगी, और अगर आप अपनी जान की हिफाजत के लिए कार खरीदते तो इनमें से कौन सी कार को आप खरीदना ज्यादा पसंद करते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।